सफर में आज हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप हैरान हो जाओगे। ट्राई कर ले बेशक, फटाफट पैंट उतार। यार तुम अमिताभ बच्चन ना, हम यहाँ आज तक कभी नहीं आए। मनु जी पे कर रहे हैं। बस जी कॉन्ट्रैक्टर आया हुआ है, अपना काम करेगा। ये वाला एक बॉक्स है स्प्रिंकलर का, एक बॉक्स अदर साइड है, इसमें ये हवा का प्रेशर मार के जो पानी रुका हुआ होता है पाइप्स में वो निकालेंगे, ताकि जब टेम्परेचर फ्रीजिंग हो तो पाइप्स फ्रीज ना हो जाए। तो ये देखो गाइस, ये होता है जब जब हवा का प्रेशर मारो तो स्प्रिंकलर में से देखो सारा पानी बचा हुआ निकल जाता है। और मैं ये देखो, ये हमारी ना होस थी जो आगे पड़ी होती है, वो मैं वापस ले चलूँ। अब तो होस का कोई काम नहीं है, पानी बंद हो गया ना, वाटर शट ऑफ कर दिया गया है। तो अब हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है, ही इज गोना कम एंड ब्लो दीज वंस ऑफ। ये भी स्प्रिंकलर बॉक्स है, इसके अंदर इस स्प्रिंकलर में भी जो है स्प्रिंकलर कनेक्टेड है इस साइड ऑफ द वॉल के। सो ये पहले वो वाली वॉल हो गई है, अब ये वाली वॉल होगी। हेलो जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। कॉन्ट्रैक्टर के स्प्रिंकलर ब्लो आउट करने के बाद हम आ गए हैं मिड टाउन मॉल। मिड टाउन मॉल में आज एक बहुत इम्पोर्टेंट काम होने वाला है आर्या का, वो करवाने। आर्या बड़ी हो गई है, आर्या के आज कान चिदवा रहे हैं हम। बहुत बड़ा माइलस्टोन हमारी लाइफ में, आर्या की लाइफ में। हमने सोचा तो था कि हम थोड़े टाइम बात करवाएंगे, लेकिन आर्या के फ्रेंड्स वगैरह सबने करा लिया, तो इसको पड़ गया कि कराना है। तो पहुँच गए मिड टाउन। अच्छा, ये विक्टोरिया वाली है। ओके, इतने पैडी टी शर्ट पहना है यार। मनु हमारा तो सब कुछ ही पैड है। ठीक है जी, वो चौबे जी कर रहे हैं मैसेज, एक कह रहे थे पापा को अपना कह देना, पापा को नमस्ते करनी है। चौबे जी, चौबे जी, चौबे जी नमस्ते। चौबे जी ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। तो नमस्ते होगी जी चौबे जी, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे। चौबे जी आपको कोई मतलब, पापा जानते हैं आपने साथ काम किया है, क्या है? पापा को तो याद आ नहीं रहा। मेरे को तो याद नहीं आ रहा, तो आप बताना। और आप बताना, आप मतलब कैसे कैसे जानते हो पापा को? आज आने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन आर्या ने बड़ी जिद करी है कि उसने अपना वो ईयर पियर्सिंग आज ही कराने हैं। Why are you so grumpy? यार आज मन ही नहीं कर रहा था निकलने का, काम बहुत। मन करता कब है निकलने का? तू मुझे एक दिन बता दे जो तेरा मन करता निकलने का घर से। एक्चुअली वो स्प्रिंकलर वाला आया था, फिर उसके बाद इतना सा वो ले टैबलेट अपने ऐसे सर के आगे लगा के फिसलता रहा कर, देखता देखता तभी खुश रहेगा तू। ये लो जी पहुंच गए, ये देख लो क्लेयर्स में एंट्री हो रही है इनकी, ईयर पियर्सिंग कराने के लिए। वो भी करा ले, करानी है तो। तूने दूसरे कान में भी करा ले? मैंने यहीं से कराई थी, देखा ठीक था, जनरेशन चेंज हो रही है। वेरी गुड, करा ले दूसरे कान में भी, कोई करानी है? नहीं यार, पापा क्या कराएंगे यार, तू करा ले। चलो जी होने वाला है काम, आइए बैटरी है। थोड़ा सा ना ऐसे ऊंचा करेगा थोड़ा, बता दे। अभी आएगी, जैसा नीवा करते Perfect, it's time to choose the earrings. Oh. Are you allergic to any metals? Choose kara ja rahe. But see, there's a line. Ye beech mein tu khada, tune karana hai? भाई मैं एक्सपीरियंस बनता हूँ यहाँ पे, तो चल यार तू चल। कौन सा तेरा, कौन सा तू अपना दिखा? मैंने पीपल से लिया था, मेरा गोल्ड का। अच्छा, डिसाइड हो गया कौन सा डालना है? वो राउंड है या स्क्वायर है? अच्छा रहता। नहीं नहीं, कोई भी ले लो। वो हम ये वाला लेंगे, ये लॉन्ग पोस्ट है। नहीं नहीं, स्क्वायर वाला है ये वाला। सो आर यू एक्साइटेड? हो गया जी, उन्होंने मार्क लगा दिया है और मार्क अप्रूव कर दिया है इन दोनों ने। पियर्सिंग तो होने लगी है, लेकिन जो इसके साथ कॉम्प्लिकेशन आनी है ना, वो क्लीनिंग की, दर्द की, और शुरू से मैं उससे डर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे ने अभी तो उसको एक्साइटमेंट है करा लेगी, बाद में ना सर हमारे टेंशन हो जानी है, हमारे को तंग करना है इसने। उन्होंने बोला कैसे क्लीन अप करना है ना। Now, one, two, three. Wow.
put something cold on it because it feels kind of hot, right? So I'm going to put something cold. It won't hurt, okay? Oh. You did so good. You felt so still. You're so sweet. You're so sweet. Good. Ji, Satnam Ji. Satnam, Sri Vaheguru. You did so good, wow. You're going to see the mirror. Look at how gorgeous. Wow, beautiful. It makes it all worth it, hey? So yes. Nice. Thank you so much. Yes, of course. Aya, are you happy? Aya, ki dekho, soni soni earrings ho gayi hain. Yeah. 14 carat, yeah. 14 carat. Wow. Aa gaye ji bahar kar kar aake sara kuch. Aya ko bahut kuch mil gaya. Still owe me a donut. I still owe you. Kehti hai you still owe me a donut just because I promised her I'll get her a donut. Yeah, bahar nikalte hi kehti hai you owe me a donut. Whenever he says donut, he has to buy me a donut. Okay, I will get her a donut. Okay. आज तो बहुत बड़ा दिन है आइया की लाइफ में, हमारी लाइफ में आइया है स्टेप्ड अप इन अ बिग माइलस्टोन. ये तो बड़ी हो गई अब, फिर छोटी हो जा, छोटी हो जा. तो मन्नु हरी निकल गए हैं फूड कोर्ट, क्योंकि मन्नु यहाँ आए और कुछ खा के ना जाए ऐसा नहीं हो सकता. बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है, लाइक एक एक चीज हमारे हमें बताई गई है. बहुत अच्छा लगा, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है व्हेन यू नो व्हाट्स गेटिंग इन एंड हाउ डू यू टेक केयर ऑफ इट पोस्ट एंड प्री. तो बहुत अच्छा लगा. आ गया जी अब मिड टाउन कॉमन, जो कि फूड कोर्ट है यहाँ का. ये निपटा गया भाई साहब, सब कुछ खा गया ये. ये जान के बड़ा सही लगता है. मम्मी परेशान हो रही, मम्मी आप आ गए, हम इतना बड़ा नहीं खा पाएंगे, इतना बड़ा नहीं हम खा. ये इसकी ट्रिक है, ये हर साइज बड़ा लाता है ताकि जो बचेगा वो ये खा लेगा. ऐसा ही है भाई साहब जी, ऐसा ही है, हमें पता है. थोड़ा ना रहे कुछ. अच्छा थोड़ा ना रहे कुछ. ये देखो ये पास्ता खा चुका है, अब ये प्रोटीन खा रहा है, और ये हमारे देख लो प्याज के पकौड़े, फिर कॉफी, एनआईया के फ्राइज. खा पी के निकल आए हैं जी, अब हम चल रहे हैं कॉस्को की तरफ. कॉस्को बंद होने वाला है एक डेढ़ घंटे में, टाइम हमारे पास है नहीं. मनु जी मुड़ गए हैं इधर, मनु जी इन एरो पोस्टल. सो गाइस वी आर एट मिडटाउन मॉल एंड वी मेट वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स फातिमा. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. थैंक यू, नाइस मीटिंग यू. चल पड़े हैं जी वापस, देख लो एस्केलेटर पे सारे लाइन वाइज खड़े हैं. देखो जी दोनों पे कर रहे हैं पार्किंग, मनु जी पे कर रहे हैं, जस जी पे कर चुके हैं. मम्मी बना रही है ब्लॉग भाई साहब. मैंने पे कर दिया कि मनु जी अपना फोन से कुछ कर रहे हैं, तो मैं तो आपको पता है ओल्ड स्कूल बंदा हूँ, मैं फोन पे गूगल पे एप्पल पे ये सब नहीं करता. सो मनु लगा हुआ है अभी फोन पे ही कुछ कर रहे हैं, नए जमाने के लोग हैं ये. आ गए हैं जी पार्किंग लॉट, खाली पड़ा कितना पार्किंग आज देखो, स्पॉट्स ही स्पॉट्स है, जहाँ मर्जी गाड़ी लगाओ. और हमारा आज काफ़ी इम्पोर्टेंट काम था जो हो गया, आइया के ईयर पियर्सिंग के बाद, आइया के ईयर पियर्सिंग के बाद आइया को मिल गया. खूब सारा प्यार सबसे मिला, टॉयज मिले हैं, पॉपकॉर्न खा रही है, फ्राइज खा के आई है. दैट्स नॉट फेयर. मम्मी कहती है मैं इसको ये वाला दिला देती हूँ, मनु कहता है मैं इसको चल पीपल से दिला देता हूँ. मैंने कहा अभी ना पहले उसके कान हील हो जाए, उसके बाद जाके दिलाना जो भी सोने के डायमंड के जो मर्जी दिलाने हैं. हमारे पास एक हमारी बेबी तो है कॉस्को पे. हम आ गए हैं जी कॉस्को साउथ साइड वाले. ये कॉस्को नया खुला है सास्कातून में, दो कॉस्को हैं, वन जो कि मार्टिन्सविल हाईवे पे है, हाईवे 12 पे मार्केट ड्राइव, ये वाला है कॉस्को रोजवुड एरिया साउथ साइड में आके. हम यहाँ आज तक कभी नहीं आए, लेट मम्मी पापा आ रही आए हैं एक दो बारी, वो कहते हैं ये कॉस्को जो है वो काफी बड़ा है वो वाले कॉस्को से, मतलब हमने तो और कुछ देख, मतलब हम नहीं कभी आए, तो आज जाके देखते हैं कैसा है. हम तो पता नहीं यहाँ पे हमारा सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा ना. आर्या का नहीं मिलेगा, सबकी हमारा सारा मिल जाएगा. ये देख लो जी काफी बड़ा कॉस्को है ये. मैंने जब खुला था तब हमने सुना था
कि वन ऑफ द बिगेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट है नवन मम्मी ने काट ही लग कोई भी जवार होता है अच्छा मम्मी इधर से देख रही है और काट लग जाती है स्पॉटिफाई भी है ओके आइया को ये वाली फ्रिज चाहिए वी डोंट वांट इट तो कुछ ना कुछ खराब ही कर देगा क्लिक कर करके थोड़ा लेआउट अलग है यहाँ के कॉस्को का स्कूल सेफ ओके एप्पल्स आ गए आइया करानी के एन एप्पल अ डे प्याज जी प्याज रेड अनियन स्ट्रॉबेरीज तुम्हें खानी नहीं होती ले मत ये वाले कॉस्को अच्छा भी लग रहा है थोड़ा स्पेशियस है इट्स नाइस बट थोड़ा सा हमें आदत है ना वहाँ पे क्या क्या मिलता है इसलिए थोड़ा सा हमें लग रहा है कि थोड़ा सा भूल भुलैया टाइप हो रहा है थैंक यू पाम लीव्स आ गई जी आइए कुकुम्बर्स रख दो लाडो ये आ गई हमारी लाडो बनानास लेके मिल गए ऑरेंज चलो नो आइया वी हैव बेटर थिंग्स टू डू आइया हेल्प करती है हर चीज में टाइड ले लो भाई किसी ने लेना तो टाइड ले लो $5 सस्ता है भैया तभी तो हमने पेंट्री बनाई हुई है हाँ जी भूल भुलैया ये कॉस्को ये भूल भुलैया हमारे लिए यार ये ना जबरदस्ती हमें इस वाले कॉस्को ले आया मैं इतना तंग हो रहा हूँ इतना कुछ मिल ही नहीं रहा समझ नहीं आ रही बोलना क्या चाहिए ब्रेड ले ली तेरी तो नहीं हमने क्यों आना था इसमें हमारे को जितने आदत है हमें वहीं जाना था तो वो ये कभी चेंज नहीं होता क्या इंसान इसको समझ नहीं आ रही कि मेरे को जिंदगी में परिवर्तन नहीं पसंद यार तू अमिताभ बच्चन ना बन मोहब्बते का मैं शाहरुख खान बन गया ना तेरे लेने के देने बढ़ जाएंगे तेरे को नेहा जी बढ़ गई है अपने फेवरेट सेक्शन में वो देखो बोरी ये कपड़े आयल में ही मम्मी खड़ी है पापा जीन्स देख रहे हैं लेनी पे जीन इस कॉस्को की दुनिया थोड़ी अलग ही है क्योंकि सामान सारा जहाँ जहाँ पड़ा हमें पता नहीं कहाँ पड़ा ये जी अब नेहा जी आ गई हैं स्नो सूट्स वगैरह देख रही हैं ये एक्चुअली ना स्नो पैंट्स हैं फॉर एडल्ट्स तो गाइस डेफिनेटली वर्थ इन्वेस्टिंग अगर किसी ने ज्यादा चलना है या अंदर बाहर का काम है देखो अंदर फ्रीज है बाहर वाटर प्रूफ पैंट्स हैं बहुत अच्छा रहता है एनीथिंग यू वेयर ऑन द बॉटम्स लेयर उसके ऊपर ये पहन लो एंड यू आर नाइसली प्रोटेक्टेड एंड इट्स ऑन सेल राइट नाउ $5 प्लस इट्स फ्रॉम $21.99 टू $17 सो व्हिच इज अ ग्रेट डील तो हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा ही था हमने आपको वॉलमार्ट की वैरायटी दिखाई थी बच्चों की स्नो सूट की बट कॉस्को अगर आपको ऑप्शन मिलती है तो जरूर कॉस्को ही फर्स्ट प्रेफरेंस रखना देयर इज नथिंग लाइक कॉस्को तो अब हम ढूंढ रहे हैं आर्या का सूट और तब तक मैं आपको शूज की भी एक झलक दिखा देती हूँ सो गाइज अगेन शूज़ के लिए ये देखो कितने अच्छे हैं वाटर प्रूफ शूज़ हैं विद ग्रेट ट्रैक्शन कॉस्को का हर ब्रांड ऑलमोस्ट अच्छा होता है सो गो फॉर इट सी द ट्रैक्शन सी इट्स इनर इनसाइड प्लीज्ड है ये गर्ल्स का है बॉयज का मैं आपको दिखाती हूँ एंड अगेन कंपैटिबल फॉर -30 -40 वेदर ऑसम ग्रेट फिट ये देखो ये सारी वैरायटी है सामने अगेन ये भी एक होती है ये तूने बड़ा पहना नेहा ये मेरे पास है भी सेम चीज़ है मैं हर साल पहनती हूँ फॉर माई डेली वेयर टू ऑफिस ग्रेट थिंग शीप स्किन भी आती है इसमें डिफरेंट आती हैं कंपैटिबिलिटी टू वेदर देख के आप लो वाटर प्रूफ हो तो ज़्यादा अच्छा है ये वाटर प्रूफ नहीं होते $36, $40, $60 की रेंज में इसी में आप अगर स्लीपर्स देखो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अंदर बाहर होने के लिए गरात से अंदर बाहर घर के यू नो पैडियो लेवल की स्नो वगैरह क्लीन करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपने स्नो शूज़ टाइप नहीं पहनने और हैवी वाले नहीं पहनने तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है ब्लंट स्टोन के होते हैं वेरी नाइस शूज वेरी ग्रेट $60 के हैं लेदर बूट चाहिए बट गाइस ये वर्थ इट होते हैं अंदर आप थोड़े वार्म सॉक्स पहन के एक ही शूज रख सकते हो अपने ऑफिस के लिए अपने रिटेल स्टोर के लिए कहीं पे भी आप काम करते हो ओ मन्नू ले रहा है अपने लिए स्नो पैंट बड़ा जो सोच रहा मैं लानी है ले लो बहुत अच्छी है देख मन्नू ले रहा जी स्नो पैंट अपने लिए देख लो ये बहुत अच्छी स्नो पैंट है ये मीडियम है तेरे को यही आएगा मीडियम ही आएगा ट्राई कर ले बेशक फटाफट पैंट उतार अपना पा के देख ले ये पैंट के ऊपर डलती है हाँ तो ऊपर ही डाल के देख ले फिर शूज उतार के अपना पहनियो ये है परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ स्नो पैंट जो कि पैंट के एग्जिस्टिंग पैंट के ऊपर ही आनी है अब मनु ट्राई कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ दिस इज कितनी $40 एंड ये आप स्नो पैंट बहुत अच्छी रहती है स्नो में जब आप बाहर ज्यादा जाओ It
ओह वेरी नाइस यार। चलो जी तीसरा सही है, देखिए जरा दूसरी पेंट ना साथ उतर जाए अंदर वाली, इसे मैं क्या कितने उतारते उतारते दोनों ना उतर जाए कितने यार। एक तो मम्मी अरे ऐसे सोचो, एक तो यार वही ना भाई, जितना मर्जी मैं भला कर लूं, तुम दोनों भाई ना एक दूसरे के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हो। जितना मर्जी मैं भला कर लूं मम्मी, मैंने कुछ मैंने रिटर्न नहीं है, जीरो रिटर्न है लेकिन ये बहुत पतली है लाडो, ये फॉल की जैकेट्स हैं सारी, ये देख लो गाइस क्रिसमस की भी डेकोरेशंस लग गई हैं, कितनी सुंदर लग रहे हैं एंड डेकर एंड क्रिसमस ट्रीज। तो ये देखो सारे ये वाले ट्री अच्छा है ना आर्या। आर्या वांट्स टू चेक आउट बुक्स कह रहा है मेरे लाडो। डैडा वॉच इज दिस फ्यूजन फास्ट एंड फ्यूरियस की F9। ये देखो बुक्स ही बुक्स है, फैमिली कैलेंडर, बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं। ठंड हो गई अब जैकेट पा ले आ। चलो जी बाहर आ गए हैं, सनसेट होने वाला है, गोल्डन आवर अभी नहीं हुआ जस जी। तो गाइस कॉस्को से निकले थे, अब आ गए हैं यहाँ पे, एक नए स्टोर आपको घुमाते हैं आज। हम आए हैं यहाँ पे मार्शल्स, ऑफ कोर्स क्लोथिंग स्टोर है जस्ट लाइक एनी अदर स्टोर, बट मार्शल इन पॉ पेट्रोल। वाह यानी कितना अच्छा बोला। ये है जी स्टोर, ये देखो दोनों जा रही हैं अंदर। मनु जी देख रहे हैं जैकेट, बताइएगा कैसी लगी है। देखो माइकल कोर्स की है, वेरी नाइस। एंड एक्चुअली मनु ने इतना लूज किया है ना वेट, तो अब सारी जैकेट्स बड़ी बड़ी हो गई हैं। अच्छा है जी अंदर कपड़े ही होते हैं मतलब यहाँ पे। हो सकता है नया, दिस माइट बिकम योर फेवरेट स्टोर टू शॉप। तू तो आज तक अभी आई नहीं कभी। ये हुडी है जी $85 $85। तो हमने जी घर आ गए थे, घर आके अब मैं अपना एडिटिंग पे लग गया था एंड नेहा जो है आर्या को वो ईयर्स पे वो जो क्लीनिंग मतलब जो वो ड्रेसिंग टाइप करनी है वो लगा रही है। इसके बाद अब सफ़र करेंगे, सफ़र में आज हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप हैरान हो जाओगे मतलब इस सफ़र की जो चीज़ देखोगे ना आप तो उसके नीचे मैं आता हूँ झड़ी लग जानी है कि रेसिपी बताओ रेसिपी बताओ। तो जी तैयार हैं आप हमारा सफ़र देखने के लिए, कॉपी पेन लेके बैठना आज भाई साहब, ऐसे ही रेसिपियां दिखेंगी आपको कि मतलब यू विल बी ब्लोन अवे। ये देखो जी क्या सफर है आज, मैगी समोसे। 2 मिनट रुक सकते हो सरगे बल, चल सकते हो आज बिल्कुल, आज जो है ना आई चलाई है, दिस इज कॉल्ड आई चलाई। आप क्या खाया जा रहा है? डोनट। आज डोनट मिला है, डैडा ने आइया को डोनट दिलाया क्योंकि ईयर पियर्स हुए हैं। इतने लाड इस गंदी बच्ची के लिए। मैगी खा ली, अब समोसा ही। अब मैगी के बाद समोसा खाओ, खाओ एंजॉय करो। समोसे एंड मैगी खाने के बाद अब आप ये देखो कि ये क्यों बाहर पड़ा है सारा कुछ, रस पड़े हैं, ये फैन मरोड़े जो लाए थे कल वो पड़ा है, वो केक रस है, मटरी है, ये सब क्यों बाहर पड़ा है? अभी पता लगेगा। क्या हो रहा है मतलब? अभी पता लगेगा। चाय बन रही है अदरक वाली, आज बन रही है जी चाय, बड़े दिनों बाद अदरक वाली। मेरे को याद नहीं है मैंने आखिरी चाय कब पी थी, सच में बहुत टाइम हो चुका है। डू यू रिमेम्बर? 3 महीने हो गए। आराम से अब आ रही है ठंड, तो इससे फिर हम चाय पीते हैं वीकेंड पे खूब सारा सामान के साथ। और वैसे भी चाय हैवी होती है, चाय में दूध है, चीनी है, हम कॉफी हमारी फिर वो सब नहीं। और इधर काटने का टाइम नहीं होता, इतना हमारे पास होता नहीं टाइम, तो हमें लगता है कि वीकेंड पे आराम से चुस्कियां लेते हुए इंडियन स्नैक्स के साथ हमारे इतने सारे खाया भी पियेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा कुछ कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। स्टे रॉक, स्टे बबल, स्टे मामा, स्टे डैडा, स्टे आर्या, बाय। ओ समबडी सेड यू शुड आल्सो से स्टे ब्लेस्ड। स्टे ब्लेस्ड। ओ सो गई देखो आंखें बंद करके अपनी। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।